क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है, मैं भोजपुरा की हूँ। हम कल 15 लोग गए थे नगर निगम और सब पूछे से थे, उन्होंने जो कह दिया कि साहब है नहीं। फिर हमने एक से पूछा, हम एक ऑफिस में गए थे, उन्होंने जो कह दिया कि नहीं एक जगह जगह समस्या आ रही है ज़मीन में पानी की, और पानी इसलिए नहीं पहुँच रहा आप लोगों के पास। यहाँ तो ट्यूबवेल लगा हुआ है, पानी सब में जा रहा है, पानी नहीं पहुँच रहा। हम सब लोग गए थे। शिव शर्मा, अलीगढ़ निवासी। मुझे मालूम हुआ कि रमजान के पवित्र महीने में जो इंसान का मौलिक अधिकार है पानी, वो पानी मुहैया नहीं है। इस पवित्र माह में पानी नहीं है। इंडियन आर्मी साहब जो हैं, जो जन जन के प्रिय नेता हैं, जो हर समस्या को समाधान करने के आदी हैं, उन्होंने मुझे बताया, मैं यहाँ आया हूँ, मैं देख के हैरान हूँ। एक गुलजार बानो एक महिला हैं जो मेरे घर 75 साल की होंगी, उनके सिर पर बाल्टी देख के मेरी आँखों में आंसू आ गए। ये नगर निगम बैठा हुआ है, काली बैठा हुआ है, ये पानी तक जो मौलिक अधिकार है जो मुहैया नहीं हो रहा है इस नगर निगम पे। शर्मा जी, जैसे कि सबका साथ सबका विकास की जो बातें करी जाती हैं, तो इसकी जमीनी हकीकत आप क्या देखते हैं? जमीनी हकीकत क्योंकि लोकतंत्र के अंदर पंत प्रधान देश में जनता मालिक होती है और हम जनता के सेवक हैं। और तुम जो एसी के कमरों में बैठे हुए हो, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम जनता के नौकर हो। ये बात जमीन पर हम उतार के रहेंगे, जनता के अधिकारों के साथ हम समझौता नहीं करने वाले। जनता के जो अधिकार हैं वो तुम्हें नगर निगम देने ही होंगे। नहीं दोगे तो हमें लेना भी आता है। अन्य लोकतांत्रिक विकल्पों पर हमें जाने पर मजबूर ना करो। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरा, जय अलीगढ़, जय कांग्रेस।